सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो यार आज मैं निकल रहा हूँ और अभी मैं सच में लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी अब मम्मी को बाय बोल के निकलता हूँ। मम्मी तू आ रही है, मैं चलूँ? आ फिर जल्दी आ। तो यार टुडे इज लास्ट डे एट होम। इस प्यारी सी जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया। कोई नहीं, जल्दी कुछ ऐसा करेंगे कि मम्मी पापा के साथ परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। जल्दी आप, प्रणाम करता हूँ फिर चलता हूँ। चल ठीक है, मैं पढ़ना। चल ठीक है भाई, हाँ एक बार मंदिर जाऊंगा। बाय पीयू, बाय आची, बाय। तो अभी जल्दी जल्दी मंदिर जाना है और उसके बाद निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ भाई। बाय चाची। तो यार फाइनली मंदिर से आने के बाद मैं निकल ही लिया था और अब देखते हैं कब आएंगे। बाकी घर वालों को बाय बोल के जाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन इतना बड़ा कब हुआ यार गिड़ू? छोटा भी था भतीजे। अब तू होगा किडनैप। मैं नहीं हूँगा, ये मुझे देहरादून किडनैप करके ले जा रहे हैं। मुझे रुमाल सुंगा के बचाओ, बचाओ, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी। और ये बता तेरी क्लास का डॉन कौन है? अपन है। स्कूल का? अपन है। सबको फोड़ता है? एक का पर से वो कोई निकल नहीं होती, उससे मुंह फाड़ा है, बैग ही में रहते हो। नहीं यार सही में कुछ दिखाऊंगा इस आप लोगों को। तो यार अभी फाइनली पहुंच गए थे गुरना मंदिर, तो मैया का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी आगे की जर्नी को कैरी ऑन करते हैं। पर यहाँ तो भंडारा लगा है, तो प्रसाद भी खा लिया था, मैया के दर्शन भी कर लिए, हम निकलते हैं। सो फाइनली फूड इज डन और अब निकलते हैं और अपनी यात्रा करते हैं। भाई एनर्जी भी नहीं है बोलने की, वो मन तो नहीं था भाई घर से बिल्कुल आने का, लेकिन क्या करें यार, आना तो पड़ता ही है। कोई नहीं, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो एक दिन शायद घर में बैठ के ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। जो ये प्लेस है, इस प्लेस का नाम है सिन्याड़ी। भाई एक टाइम पे सच में ना यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, बट आज देखो यार एक से खुल गए भाई। तो भाई अभी फाइनली टनकपुर पहुंच गए थे और ये समझो कि हाफ जर्नी तो कंप्लीट हो गई है यार ट्रेवल की। भाई जो पहाड़ों का सफर होता है ना बहुत गंदा होता है यार। बस में तो भाई क्रेजी एकदम हालत ख़राब हो गई थी, तब मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया, वरना सीन तो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आ रहे थे, आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकता था। भाई देखो मून का व्यू कितना सही आ रहा है यार, कई सेक्सी लग रहा है। और अभी सितारगंज पहुंच गए थे तो यहाँ पे चाय पकौड़ी। फाइनली आईएसबीटी तो पहुंच गए थे और भाई कोई ओला वाला राइड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यार, पता नहीं क्या सीन है इनका। अब देखते हैं किसी कैब वैब को देखना पड़ेगा, किसी ऑटो वाले से पूछता हूँ, उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो यार फाइनली रूम पे तो पहुँच गया भाई, जय भोलेनाथ की सही सलामत पहुँच गया। भाई नींद तो आ नहीं रही थी तो मैं आ गया था अभी छत पे। घर से निकलते हुए मम्मी ने कुछ वर्ड्स बोले थे कि बेटा घर से आगे निकल के तुझे शहर तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन वो पीछे छूटा हुआ घर तुझे बेचैन कर देगा। एंड दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ।